वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आप देख रहे हैं जनसत्ता, मैं हूं आपके साथ अंशिका सारडा। क्रिकेट भारत की जान है और आज भारतीय टीम का श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल मैच है। आपको ये लगे कि हम कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं, तो इससे पहले ही मैं आपको बता देती हूँ कि भारतीय अंडर 19 टीम का मैच है आज। भारतीय अंडर 19 टीम ने ही देश को कई स्टार खिलाड़ी दिए हैं। अंडर 19 टीम के धुरंधर खिलाड़ी ही भारतीय टीम का भविष्य बनते हैं, इसलिए इन पर सबकी नज़रें टिकी रहती हैं। ऐसे ही एक धुरंधर खिलाड़ी का नाम है ध्रुव जुड़ैल। ध्रुव अंडर 19 टीम के कैप्टन हैं। ध्रुव जुड़ैल के पिता करगिल में देश को जीत दिलाकर लाए थे और अब जीत के लिए सबकी नज़रें ध्रुव पर हैं। ध्रुव जुड़ैल के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए देखिए ये वीडियो। कारगिल की जंग में भारत को जीत दिलाने वाले जाट रेजिमेंट के नेम सिंह के बेटे हैं ध्रुव जुड़ैल। ध्रुव भारतीय अंडर 19 टीम के कैप्टन भी हैं। आज इसी अंडर 19 टीम का श्रीलंका के साथ सेमीफाइनल मैच है। इस मैच में एक बार फिर फैंस की निगाहें कैप्टन ध्रुव जुड़ैल पर रहेगी। ध्रुव विकेट कीपर होने के साथ साथ विस्फोटक बल्लेबाज भी हैं। साल 2014 में ध्रुव ने स्कूली टीमों के बीच हुई चैंपियनशिप से अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। इसी साल अंडर 17 स्कूल नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप में ध्रुव को T20 के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के खिताब से नवाजा गया। साल 2018 के दौरान ध्रुव ने महज 21 गेंदों में शतक जड़कर सभी को हैरान कर दिया था। दिल्ली, आगरा और मध्य प्रदेश के बीच खेली गई T20 ट्राई सीरीज में एक मैच के दौरान ध्रुव ने ये कारनामा करके दिखाया। हालांकि एशिया कप में ध्रुव का प्रदर्शन अभी तक कुछ खास नहीं रहा, लेकिन सेमीफाइनल मैच में वो अपनी टीम के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। ध्रुव जुड़ैल के पिता नेम सिंह को उम्मीद है कि उनका बेटा एक दिन देश के लिए क्रिकेट में बड़ा नाम करेगा। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया, भले ही ये दोनों क्षेत्र अलग हैं, लेकिन दोनों का भाव ही देश की सेवा करना है। मैंने करगिल युद्ध के दौरान देश की सेवा की थी और अब मेरा बेटा क्रिकेट खेलकर देश की सेवा कर रहा है। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब ध्रुव जुड़ैल के पिता नेम सिंह चाहते थे कि वे पढ़ाई खत्म करने के बाद सेना में ही भर्ती हो जाए, लेकिन क्रिकेट में बढ़ती दिलचस्पी ने ध्रुव को क्रिकेटर बना दिया। ध्रुव के कोच परमेंद्र सिंह यादव का मानना है कि फास्ट बैटिंग और फोकस ध्रुव की सबसे बड़ी ताकत है। उन्हें यकीन है कि ध्रुव एक दिन देश का नाम जरूर रोशन करेगा। साल 2015 में ध्रुव ने यूपी की ओर से अंडर 14 राज सिंह डूंगरपुर ट्रॉफी में फाइनल मैच में मध्य प्रदेश के खिलाफ शानदार 137 रनों की पारी खेली थी। इसी के साथ ही विकेट के पीछे भी उन्होंने 10 कैच पकड़े थे। इस बार ध्रुव से फिर से ही ऐसे कमाल की उम्मीद की जा रही है। अंडर 19 टीम को आज आप भी गुड लक विश करें और इसी तरह की दूसरे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें जनसत्ता को।